वहीं अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले के हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त का लाभ मिला, लेकिन इस मामले में अपात्र किसान पिछले लंबे समय से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार को इस मामले में जानकारी पड़ी तो तत्परता से कार्यवाही करते हुए पाया कि इनमें से सरकार ने पलवल जिले में अब तक 183 किसानों को अपात्र पाया है। अपात्र किसान 18,04,000 की राशि सरकार से ले चुके हैं, जिसकी रिकवरी के आदेशों को लेकर कृषि विभाग द्वारा किसानों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से कुछ किसानों ने किसान सम्मान निधि के लगभग 2,68,000 की धनराशि वापस कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में 2,000 रुपए करके भेजी जाती है। इस योजना की अब तक 14 किश्तें दी जा चुकी हैं। कृषि खंड अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन कुछ किसान अभी तक इस राशि को नहीं लौटा पाए हैं, जो कि चिंता का विषय है, जिसमें 18 किसान की मौत हो चुकी है। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। हालांकि इस योजना का लाभ उन किसानों के लिए है जो सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि आवेदन के समय अपात्र किसानों से जो फॉर्म भरवाया गया था उनमें किन अधिकारियों की लापरवाही रही और क्या उन पर कार्यवाही की जाएगी। पलवल से प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन आई उनमें कुछ ऐसे थे जो पेंशनर रिटायर थे सरकारी डिपार्टमेंटों से और पेंशनर थे जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर थी, तो ऐसे पलवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 183 फार्मर हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन पर कुल रिकवरी 18,04,000 रुपए बनती है। उनमें से करीब 18 फार्मर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब तक जो रिकवरी हुई है 2,68,000 की रिकवरी हो चुकी है, बाकी और सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सर, किस तरह की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे? इसमें अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन पूरी आई नहीं थी हमारे पास कि भाई किसको देना है किसको नहीं। जैसे जैसे नई नई गाइडलाइन आती है, सरकार की जो हिदायत आती है, उनके अनुसार हम अपना कार्य विभाग करता है।